गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू एनी रेडिक्स नंबर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो एनी रेडिक्स नंबर मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इनका इंटर कन्वर्जन, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन होगा, उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 105 डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग सिंपल लिख लेंगे। फिर उसको अगर बाइनरी से कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 52 टाइम्स में। 52 टाइम्स में कितने से डिवाइड होगा, 104 आएगा, तो मेरा एक रिमाइंडर बचेगा, है ना। फिर अगेन 252 को हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड करेंगे 2 से, तो 26 बार में मेरा 52 डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, इट मीन्स उस पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। देन अगेन स्टार्ट करेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे तो 26 कितने बार में कट जाएगा, 13 टाइम्स में, है ना। तो 13 टाइम्स में 26 मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो इट मीन्स रिमाइंडर कितना होगा, 0। फिर 13 को 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 6 टाइम्स में। यहाँ पे मेरा एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 2 6 12 होता है और यहाँ 13 है, तो एक रिमाइंडर बचा, तो 1 लिख दिए, ठीक है। फिर अगेन 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, इस पर रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर अगेन लास्ट में 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 टाइम्स में 2 1 2 3 में एक मेरा रिमाइंडर बचा, तो 1 लिख देंगे, है ना। अब इसको लिखने का कैसा तरीका था, हमेशा हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए बॉटम टू टॉप जाएंगे, इट मीन्स यहाँ जो ये सबसे लास्ट वाला आइटम को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड में लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिखने का तरीका होता है, बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो ये मेरा बाइनरी कन्वर्जन हुआ, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन होगा उसको बस हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और बगल में उसके रिमाइंडर्स को लिखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, इस पे 0 और 1 के अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। 0 और 1 ही में इसका रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 56, है ना। 56 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 56 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 28 टाइम्स में 56 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 0। फिर 28 को 2 से कितने से डिवाइड करेंगे, 14 से, इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फिर 14 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। अब जो 7 है वो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 3 6 होता है, तो एक रिमाइंडर बचा मेरा। फिर 2 1 2 एक रिमाइंडर बचा। तो ये नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, मीन्स बॉटम टू टॉप जाएंगे और उस तरह से लिखेंगे, मीन्स ये 1 यहाँ लिखेंगे, सेकंड वाला 1 यहाँ लिखेंगे, इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से बना हुआ है। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। जैसे कि ये 1 हम यहाँ लिखें, देन यहाँ लिखेंगे, इस तरह से इसको राइट डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फिर से और एक एग्जांपल है, 52 को हम लोग इस वे से इसको कन्वर्ट करेंगे और लिखने का तरीका बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। और हमेशा लिखने इधर से लिखेंगे ना, राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, इधर बॉटम से टॉप पे लिखेंगे और राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे और इसकी ओर जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है, डेसिमल नंबर से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पे इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब इसका इंटर कन्वर्जन देखेंगे, इट मीन्स अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। अब हमको बाइनरी नंबर सिस्टम गिवन होगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये मेरा एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, 1010, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये मेरा कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस, ये मेरा क्या है, टेंस प्लेस, ये मेरा 100 और ये मेरा क्या है, 1000 प्लेस, है ना। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जिसे जब नंबर सिस्टम में आप लोग स्टडी कर रहे होंगे,
उसी टाइम्स में ये डिस्कस किया गया था कि जो सबसे पहला यूज होता है ये वाला यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड। तो इसको जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से तो मेरा फाइनली डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इस जीरो को हम लोग यहाँ लिख दिए, ये ज़ीरो, ये वन को यहाँ लिख दिए, ये ज़ीरो को यहाँ लिखें और ये वन को यहाँ लिखें, है ना। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट। तो हम लोग क्या किए, टू टू पावर ज़ीरो, यूनिट प्लेस में हमेशा वन से इंटू होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एट हो, फाइव हो, कुछ भी हो, तो किसी का भी पावर ज़ीरो क्या होता है, हमेशा वन होता है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है। तो हम लोग ये जो ज़ीरो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू टू पावर ज़ीरो से, ये कौन सा हो गया मेरा, यूनिट प्लेस, है ना। फिर ये जो वन है, सेकेंड वन, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू टू द पावर वन से। ठीक है, ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। देन हम लोग सेकेंड को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू टू द पावर टू से, देन मल्टीप्लाई करेंगे टू टू द पावर थ्री, फिर देन इसको प्लस करके लिख देंगे तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू पावर ज़ीरो, फिर यहाँ प्लस कर देंगे, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, टू टू पावर वन, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, टू टू पावर टू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, टू टू पावर थ्री, और सबको प्लस कर देंगे, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, ज़ीरो इंटू टू वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। ये कितना होगा, वन इंटू टू द पावर वन, टू टू द पावर वन क्या होता है, टू, तो ज़ीरो प्लस टू, तो यहाँ टू टू द पावर टू है लेकिन मल्टीप्लाई ज़ीरो से हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ टू टू द पावर थ्री है और मल्टीप्लाई वन से हो रहा है तो एट, तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, एट प्लस टू इज इक्वल्स टू टेन। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपली बाय किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है, एग्जांपल बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, यूनिट प्लेस, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू द पावर ज़ीरो से। ये वाला कौन सा प्लेस है, टू टू द पावर वन से, ये टू टू द पावर टू, ये टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर फोर और ये टू टू द पावर फाइव से जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो है तो ये तो हमको ज़ीरो देगा, ज़ीरो प्लस ये भी मेरा ज़ीरो देगा, टू टू द पावर टू कितना होगा, फोर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे वन से, फिर टू टू द पावर थ्री मेरा कितना देगा, एट देगा, फिर टू टू द पावर फोर कितना देगा, सिक्सटीन, टू टू द पावर फाइव कितना देगा, थर्टी टू, फिर इसको सबको प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, थर्टी टू। ठीक है, थर्टी टू प्लस सिक्सटीन प्लस एट प्लस फोर इज इक्वल्स टू सिक्सटी। तो मेरा ये जो डेसिमल नंबर, जो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम कितना आएगा, 60। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है 378.93, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट भी आ गया, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है लेकिन बीच में एक डेसिमल पॉइंट भी है। अगर बीच में डेसिमल पॉइंट में आ जाए, बाइनरी में आए, चाहे हेक्सा डेसिमल में या ऑक्टल में आ जाए, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डेसिमल के पहले का पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना। फिर उसको ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एट से। बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो किससे किए थे, टू से, है ना। तो यहाँ लोग एट से करेंगे, तब एट से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 378 है, है ना। तो ये 378 मेरे कितने टाइम्स में हो जाएगा, 47 टाइम्स में। तो 47 टाइम्स में मेरा कितना आ जाएगा, टू रिमाइंडर बचेगा, है ना। फिर एट को हम लोग डिवाइड करेंगे 47 से, तो 45 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा मेरा, 85 जी कितना होगा, 40 होगा, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 7। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे मेरा कितना बच गया, 572 आ गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले हम लोग लिख लिए हैं 572, यहाँ पे देखिए 572, यहाँ पे हम लोग इस तरह डायरेक्शन में जाएंगे और इसको लिखने का डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये जो 0.93 है इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये 0.93 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 0.93 लिखेंगे और इंटू 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.93 लिखेंगे इंटू 8 करेंगे, तो 0.93 इंटू 8 कितना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 7.44, है ना।
जब हम लोग 8 को 0.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 7.44। तो हम लोग इसको लिख देंगे। फिर सेकंड जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 × 44 करेंगे तो 3.52 आएगा, है ना। तो 3.52 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.52 है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 52 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग 0.52 को, तो मेरा कितना आंसर आएगा 4.16। फिर ये जो 16 है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 1.28। ठीक है। अब देखिए ये वाला कब तक करेंगे, क्वेश्चन ये है कि ये कब तक करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी उनसे पूछा जाए कि आप इसका डेसिमल पॉइंट 4 डेसिमल पॉइंट तक लिखें, तो हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कम्प्लीटली 0 आ जाए तो फिर वहीं स्टॉप हो जाएंगे, अदरवाइज हम लोग 4 टाइम्स मैक्सिमम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ 4 टाइम्स हम लोग लिखे। देखिए ये वाला क्या, अब 28 को हम लोग 8 से करेंगे, देन उसका कुछ रिजल्ट आएगा उसको करेंगे। तो लास्ट हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितना रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे। अब देखिए जितना रिजल्ट आया मेरा ये वाला आया, तो हम लोग इसको लिखने का तरीका टॉप टू डाउन जाएंगे और इस यहाँ से ऐसे जाएंगे, है ना। इसको इसको कैसे जा रहे थे, बॉटम टू टॉप जा रहे थे, ये टॉप टू डाउन लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए 572 लिख लिए, यहाँ डेसिमल पॉइंट दे दिए। इस 93 का ऑक्टल नंबर कितना होगा, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से हमको इसको लिखना है ना, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट के बाद का वाला नहीं लिखना है, उसके पहले वाला। तो कैसे लिखेंगे, ये 7 को यहाँ लिखेंगे, ये 3 को यहाँ लिखेंगे, इस 4 को यहाँ लिखेंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से कम्प्लीटली मेरा जो 378.93 डेसिमल नंबर है इज इक्वल्स टू 572.7341 ऑक्टल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा मेरा, वो कभी भी मेरा 7 से ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स 0 to 7 के बीच में ही होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर का बेस मेरा 8 होता है, जिस पे जो डिजिट्स होते हैं वो मेरा 0 to 7 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल है, देखिए और एक एग्जांपल है। अगर सिंपल एग्जांपल, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 214 गिवन है, है ना। तो यहाँ 214, तो 8, इस 214 को डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको ऑक्टल पे कन्वर्ट करना है। तो 8 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 214 से डिवाइड करेंगे, तो 26 टाइम पे मेरा डिवाइड करेंगे 8 से, तो मेरा 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 8 × 26 कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, है ना। तो मेरा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। फिर हम लोग 26 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम्स में मेरा 24 आएगा, जिससे मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और फिर ये 3 टाइम्स, अब ये 8 जो, ये जो 3 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर जब तक ये रेडिक्स से छोटा ना आए तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो अब लिखने का तरीका क्या है, बॉटम टू टॉप और इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस 3 को यहाँ लिखेंगे, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे। तो 214 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम लोग ऑक्टल नंबर पे कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, 326 ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका इंटर कन्वर्जन, मीन्स ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट 4057.06 ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, ये वाला मेरा कौन सा प्लेस है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के पावर से। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 है हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो 7 है, देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 7 यहाँ लिखे हैं, फिर ये 5 यहाँ लिखा हुआ है, फिर 0 यहाँ है, 4 यहाँ है, और ये वाला क्या है, डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, और इस 0 को यहाँ लिखे हैं और इस 6 को यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले का बात, मीन्स 7 इंटू ये कौन सा प्लेस है, यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 5 ये मेरे कौन से प्लेस में, टेंस, तो ये 8 के पावर 1 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 मेरा 100 प्लेस में है, तो 8 टू द पावर 2 के
पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4 है वो मेरा 1000 प्लेस में है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के पावर 3 से। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमको क्या करना है, 8 के पावर -1 -2 इस तरह से मल्टीप्लाई कर। तो ये मेरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 के पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 8 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इतना लिख लें, अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए यहाँ से डेसिमल पॉइंट आएगा, है ना, यहाँ से डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8, ये 8 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग 7 × 1 क्या लिखेंगे, 7, ठीक है। 8 का पावर 1 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 8 का पावर 1 क्या होता है, 8, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। ये 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 8 का पावर 3 कितना होता है, 512, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, 2095, ठीक है। मीन्स 4 × 512 मेरा कितना आ जाएगा, 2095, ठीक है, सॉरी 2095 नहीं आएगा, मीन्स इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों टर्म से, तब मेरा जाके आ जाएगा 2095, ठीक है। फिर प्लस ये वाला टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। ये वाला टर्म तो 0 वाला टर्म तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा, 6 × 8 to the power -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.0937। अब इन तीनों को सबको प्लस करके हम लोग मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2095.0937 डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर इसी को मान लीजिए ये मेरा गिवन हो, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो इसको अगर हमको सॉरी अगर मान लीजिए यहीं पे हमको बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम पे करना था, तो पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि जैसे 1101.01 गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the power -1 से, और इसको किससे करते हैं, 2 to the power -2 से। पॉइंट के बाद हम लोग माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, और पॉइंट के पहले से हम लोग 2 to the power 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड शो 1, ठीक है। अगर ऑक्टल हो गया तो 2 की जगह हम लोग क्या करेंगे, 8 का यूज़ करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल हो गया तो 8 की जगह हम लोग और 2 की जगह हम लोग क्या करेंगे, 16 का यूज़ करेंगे, 16 बेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, ये देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस टर्म को हम लोग लिखेंगे, देखिए ये यूनिट प्लेस है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको क्या करना है, 2 to the power 1, ये क्या हो गया, 2 to the power 0, फिर देन 1, फिर 2, फिर 3, देन इसका 2 to the power 4, है ना। ये कौन सा प्लेस है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, है ना। तो यहाँ 6 है टोटल, ठीक है। 2 to the power 0 से लेकर 2 to the power 6 तक हम लोग जाएंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद किस पे जाएंगे, 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, देन हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग क्या होता है, वैसे नेगेटिव पावर पे जाते हैं, डेसिमल पॉइंट के पहले हम लोग किस पे जाएंगे, पॉजिटिव पावर। यहाँ हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग -1 से स्टार्ट करेंगे, इधर मेरा सो बढ़ेगा और इधर से मेरा इस टाइप पे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करके लिखेंगे। तो इसको देखिए इसी तरह से लिखा है मेरा, ये डेसिमल पॉइंट के पहले हो गया, ये डेसिमल पॉइंट के बाद हो गया, ठीक है। तो जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 119.375 डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा कॉपी में, तो मोर क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेसिमल पॉइंट टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 देखिए 25 को हमको बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 25 कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स पे, 24 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। फिर 12 को कितने से करेंगे, 6 टाइम, यहाँ 0 रिमाइंडर बचेगा। देन 3 को करेंगे, ये भी 0 बचेगा, ये फिर देन 3 को करेंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो मेरा 25 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा वो कितना हो जाएगा, 11001, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसके साथ मेरा
25 मेरा फिर से आ गया पॉइंट डेसिमल में। तो ऑक्टल में हम लोग क्या किए थे, इस डेसिमल पॉइंट को 8 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये देखो 25 तो यहाँ लिखा हुआ है, ये सॉल्व कर लिए। अब इस 25 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 0.50। फिर इस 50 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर देन ये कितना आ जाएगा मेरा 1.00। अब देखिए ये क्या हुआ, मेरा कम्प्लीटली रिविजिबल। इट मीन्स अब हम यहाँ लिखेंगे 00 तो फिर से मेरा 00 आएगा, मीन्स ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग वहीं स्टॉप कर जाएंगे, अगर नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग इसको शो ऑन बढ़ते जाएंगे, जब तक मेरा मीन्स 3 से 4 टर्म्स में हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, है ना। बाकी जितना मेरा आया उसी को लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका मेरा कैसे है, इसको हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे, इसको टॉप टू बॉटम जाएंगे। लिखने का तरीका दोनों का इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखे, ये 1, देन 0, देन 0, देन 1, और इसको लिखने का तरीका ये 1, देन 1। तो 25.25 का मेरा बाइनरी नंबर कितना आ गया, 11001.01 बाइनरी नंबर, ठीक है। सो इजी है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 105.15, ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 105 को कन्वर्ट करेंगे। तो 105 का बाइनरी नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 1101001, ठीक है। ये तो कन्वर्ट हो गया। अब इस 0.15 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 इंटू 0.15 कितना आ जाएगा, 0.30। फिर इस 0.30 को यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 0.60। फिर इस 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1.20। फिर अगेन इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.40। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस है बहुत मतलब दूर तक जाएगा ना। फिर 40 से इंटू 2 करेंगे तो फिर 0.80 आएगा, फिर देन इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाके स्टॉप कर देंगे, एटलीस्ट 4 डेसिमल पॉइंट तक जाएंगे, है ना। अब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे होगा, तो क्या बताएं कि हमेशा हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे इधर से और इधर से टॉप टू बॉटम। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1101001 पॉइंट, इसको लिखना है ना, ये वाला टर्म को नहीं लिखना हमको, इसको टर्म को लिखना है जो डेसिमल पॉइंट के पहले है। तो क्या लिखेंगे, 0010, है ना, 0010 बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट से अब हम लोग क्या करेंगे, हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा हेक्सा डेसिमल नंबर गिवन है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग किस पे करना है, हेक्सा डेसिमल में करना है। तो हेक्सा डेसिमल के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो किससे डिवाइड किए थे, 2 से। जब हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो किससे डिवाइड किए थे, 8 से। तो उसी तरह जब हम लोग हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 219 टाइम्स में मेरा 16 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, है ना। तो रिमाइंडर 5 लिख दिए, फिर 16 को 21 टाइम्स कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 13 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये मेरा कम्प्लीटली हो गया। तो 13 को हम लोग हेक्सा डेसिमल में कितना लिखते हैं, डी, ठीक है, 13 को डी लिखते हैं। 11 को कितना लिखते हैं, बी, और 5 को कितना लिखते हैं, 5। तो ये हमेशा लिखने का क्या तरीका है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3509 डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल्स टू DB5H, ये मेरा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। जिस इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कि 16 इंटू 219 कितना आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, जस्ट हम लोग उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे और बॉटम टू टॉप हम लोग लिखेंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, अब मेरा क्या, अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए ना, बीच में पॉइंट आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 22 है तो 16, इसको सबसे ये लो पॉइंट जो है इसको हम लोग तो इसी तरह सेम एज इट इज़ लिखेंगे कि 22 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो 1 टाइम्स में, और मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 16। अब डेसिमल पॉइंट के बाद क्या करेंगे, तो ये क्या मेरा 0.64, तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.24, ठीक है। जब हम लोग 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 से तो क्या आ जाएगा, 10.24। फिर इस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो मेरा क्या आ जाएगा, 3.84।
फिर इस 8 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 13.44। इस 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ए। 3 को क्या बोलते हैं, 3। 13 को क्या बोलते हैं, डी। तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 22.64 डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल्स टू 16.83D। ठीक है, 10 को ए लिखे, 3 को 3, 13 को डी, हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से मेरा कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट वन है, अब हेक्साडेसिमल और डेसिमल का इंटर कन्वर्जन है ना। अब मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गिवन होगा, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है ना, तो ये सेम प्लेस है। इस पे मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 16 का पावर से। ठीक है, तो जो 7 गिवन है इंटू किया हो जाएगा मेरा 16 का पावर 0, फिर सी गिवन है तो सी इंटू 16 का पावर 1, 5 है, 5 इंटू 16 का पावर 2, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, 12, तो 12 इंटू 16 का पावर 1। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सॉल्व किया गया है, 7 इंटू 16 का पावर 0 ये टर्म देखिए, सेकंड ये टर्म, सी को 12 होता है एंड 5 इंटू 16 का पावर 12। तो देन इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1479। ये क्या हो गया मेरा, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और अगर देखिए ये तो मेरा हो गया विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर मेरा डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये देखिए मेरा डेसिमल पॉइंट है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट के पहले इस डायरेक्शन में हम लोग 0 से टू 16 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, 16 का पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई करके देन उसको प्लस करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे किए हैं, इस 6 को हम लोग 16 का पावर 0, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर है और ये डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर है। तो इस 6 को हम लोग 16 का पावर 0 से मल्टीप्लाई किए, इस 2 को हम लोग 16 का पावर 1 से मल्टीप्लाई किए, इस 1 को 16 का पावर 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ए को 10 लिखते हैं तो 10 इंटू 16 का स्क्वायर 256 प्लस, तो 2 इंटू 16, 16 का पावर 1 क्या होगा, 16, तो 2 इंटू 16 लिख दिए, ये मेरा 16 का पावर 0 क्या होगा, 1, तो इंटू करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा मेरा, 6। ठीक है, देन अब डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 का पावर -1 से करेंगे, तो ए इंटू 16 का पावर -1, ए मेरा क्या होता है 10, तो जस्ट इसको सॉल्व करके लिखेंगे, सी मेरा क्या होता है 12, तो 12 इंटू 16 का पावर -2, फिर सी है मेरा 12, 16 इंटू 16 का पावर -3, तो इस डायरेक्शन में लोग माइनस में स्टार्ट, ये माइनस पावर होगा, इस डायरेक्शन में 0 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 2598.06746 डेसिमल नंबर सिस्टम। तो किसी भी नंबर सिस्टम को हम लोग ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है, अगर हमको बाइनरी चाहिए तो हम वो भी ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हेक्साडेसिमल चाहिए तो हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल चाहिए तो ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी अदर रेडिक्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी अदर रेडिक्स को डेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को नंबर सिस्टम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू।